हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं हूँ सपना शर्मा और गाइस आज हम जा रहे हैं गणपति जी लेने। पूर्वा के तो बिल्कुल फेवरेट है गणपति जी और वो बोले जा रही है मम्मी गणपति लेके आते हैं और जल्दी बोलने जा रही है। मैंने कहा भाई रुको चलते हैं और वो इसको फ्रेंडली बोल रही है क्योंकि पानी में भी आराम से विसर्जन कर सकते हैं और वो खुल जाते हैं। तो फिर हम उसी का अपना पौधा तैयार कर लेते हैं और वो किसी ना किसी पौधे में उनकी हम विसर्जन जो होता है। हम हर बार इको फ्रेंडली आते हैं और इस बार भी इको फ्रेंडली लाएंगे। तो अभी मैं झोली बना दी और तैयार होके चलते हैं। ओके गाइस, अभी हम जाते हैं, दिखाएंगे कैसा ले रहे हो, फिर आगे सजाएंगे वो भी दिखाएंगे, पूजा करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। गाइज अभी वेट करते हैं मम्मी का। मम्मी अभी आ रही है और मुझे सामने डॉगीज दिख रहे हैं जिससे मुझे डर लग रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ। गाइज देखो, अब वहाँ पे 3-4 डॉगीज है। ये देखो, ये आया एक, ये नंबर 2, ये 3। ये पता नहीं क्या करना चाह रहे। मैं पहले पीछे हो जाती हूँ। गाइज ये बास्केट ले ली है मैंने, इसमें हम लेके आएंगे गणेश जी को। मतलब हम छोटे ही ले रहे हैं तो इसलिए बास्केट भी छोटी ही ली है। और ये पीला कपड़ा लिया जिसे छुपाएंगे हम। मुझे नहीं पता क्यों छुपाते हैं, बट छुपा के लेके आएंगे। पता नहीं, हर बार ऐसा होता है, मतलब छुपाना चाहिए। आके डिस्क्लोज कर देंगे हम आपको। पहले आपको हम दिखाएंगे, नहीं हम आपको घर आके दिखाएंगे हम कौन सा नंबर ले रहे हैं। चलो चलते हैं। तो अभी हम स्कूटी पर बैठ के जाएंगे एडी मम्मी, और मुझे एड्रेस ब्लर करना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस दिख चुका है। गाइज हमारे एक ये फाइनल हुए हैं और गाइज मुझे एक ये पसंद आए थे पर मम्मी तानी कुछ कह रही है कि कान पकड़ रखे हैं, पर वो औजार पकड़ रखे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा। गाइज हमने गणपति जी ले लिए, अभी हम पूजा वगैरह करेंगे तो आप देखना। तो इधर देखो पूर्वा, ये अभी हम आपको दिखाएंगे घर जाके। अभी गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस जब हम आ रहे थे मम्मी टॉफियां लेने गई हुई थी, तब मम्मी बस गिर गई। और क्या था, गिर नहीं था, अब पैर पे बहुत तेज चोट लगवा ली। फिर वहाँ के लोगों ने मम्मी को उठाया और फिर हाँ गाइस, फिर मम्मी उठी नहीं रही थी, फिर उन लोगों ने जबरदस्ती उठाया मम्मी को कि उठो उठो, अगर उठोगे नहीं तो पैर ठीक नहीं होगा, चलोगे तो ही ठीक होगा। फिर मम्मी ने हिम्मत करी। रे बप्पा मोरिया, रे गणपति बप्पा। गाइस हमारे पास हमारे गणपति जी आ गए, अभी हम उनको सजाते हैं फिर दिखाएंगे। गणपति बप्पा ओम, गणपति बप्पा मोरिया, ओम मंगल मूर्ति मोरिया। जैसे तू
कब करना सिखाया था वैसे ही तैयार कर इसकी गणपति बापा मो मेरे घर आए मेरे नन्ने नन्ने मुन्ने हे गणेशा ओ गणपति बापा मोरिया जी मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया रे गणपति जी की जय हो गणपति बापा की जय गणपति सबके घर गणपति लालबाग के राजा है ये तो लालबाग के राजा है मेरे गणपति देवा ये लालबाग के राजा वो बड़ी शान से बैठे हैं मेरे दो मेरे गणपति जी और लालबाग के गणपति जी देखो लालबाग के गणपति जी गाइस मैं लालबाग वाले गणपति लाई हूँ और मेरे को पता नहीं क्या आपकी बार दूर से मालूम हो रहा था कि जैसे लाल बाग वाले गणपति जी वही लाने हैं लेकिन आपकी बार लाल बाग वाले गणपति जी ने कृष्ण हाथ में लिया हुआ है धनुष बाण लिया हुआ है ये सब लिया हुआ है मेरे गणपति जी देखो किसी चांद से बैठे हैं लाल बाग वाले कितने प्यारे लग रहे आप देख सकते हो बड़े इतनी अच्छी से सजाया उनको तिलक भी लगाएगी अभी जय जयकार करेगी पूरा गाइस आप नहीं समझ सकते हो मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये सारी पूछो इतने सुंदर चमे बेबी तैयार कर रहा है पूरा फूल ये वाले फूल भी लगा बड़े वाले गणपति बाबा होए होए जी गणपति पापा होए होए जी बड़ी शान से बैठे हैं मेरे गणपति जी बड़ी शान से बैठे हैं मेरे गणपति जी ओए होए नजर ना लग जाए तो हे गणपति जी ओहो धूप भी बहुत पसंद है तो धूप भी लगाओ गणपति जी को और सजाओ फूलों से मेरे गणपति जी बहुत फूलों से सजने चाहिए गणपति जी स्वागत है आपका मेरे घर में और आप मेरे घर को ऐसे सुख शांति समृद्धि मेरे बच्चों में बुद्धि देते रहिएगा और हर कार्य में सबसे पहले आपका ही नाम लिया जाता है मेरे गणपति भगवान पीछे से भी करो ना भाई क्या कर रही हो उनके आगे पीछे सब करो गाइज आप देख सकते हो पूर्वा ने अभी कृष्णा जी को भी सजा रही है गणपति जी को बिल्कुल रेडी कर दिया आप देख सकते हो कितने प्यारे कितने प्यारे लग रहे हैं लाल बाग के बादशाह गणपति महाराज की जय मोरिया रे बप्पा मोरिया रे गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया ओए लाल बाग के राजा ओए लाल बाग के राजा लल्ला लाल बाग के राजा तुमको बारंबार प्रणाम हे गणेश गणपति महाराज सबके घर खुशियां लाना सबको सुख शांति में रखना देखो अब मेरे नन्हे से बेटे भी सज गए हैं सो गाइज अभी मैंने ये कृष्णा जी को भी सजा दिया है आप देख ही सकते हैं सो अभी आप गणेश जी भी देख लीजिए कृष्णा जी को उनके जगह पर रख देते हैं और अब देखो आप गाइज पूरा लुक सो गाइज अभी हमने पूरी टॉफियां भी रख दी है गणेश जी के लिए और अभी आप देख सकते हैं गणेश जी को हमारे गाइज आज बॉग में टॉफियां हैं गणपति जी के लिए सो बहुत सारी टॉफियां लाए हैं और जब मम्मी टॉफी ले रही थी मम्मी तभी गिर गई थी तो गाइज मैं बिल्कुल
ओके हूँ, क्योंकि गणपति जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मुझे और मेरे परिवार को, सबको, सभी के परिवार को स्वस्थ रखेंगे और सभी के जीवन में खुशियाँ लाएंगे। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। और आपके भक्त जय हो जय। चावल तो बनाइए, हाँ बोले वाले हम तो भैया ना, भक्तों का क्या, भक्त तो बोले वाले तो सर। पूर्वा टॉफी दे आंटी को, ये पिंक वाली दे और ये भी दे, सबकी दे के जितने भी हैं सबको फ्लेवर दे।